जैसे कि पिछली वीडियो इस एम्पलीफायर की हमने डाली थी, इसको असेंबल वगैरह करा था इसको, तो इसकी टेस्टिंग बाकी रह गई थी, तो आज करेंगे इसकी टेस्टिंग। तो टेस्टिंग के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं अपने स्पीकर, और स्पीकर अपने लगभग 4-4 ओम के हैं, और 4-4 ओम करके इसका लगभग 2 ओम के आसपास सेट होता है, 3 ओम मान के चल जाते हैं, थोड़ा बहुत जो रेजिस्टेंस है वो वायर के अंदर भी होता है। तो 3 ओम पर इसको मान के चलेंगे, 3 ओम पर इसको टेस्ट करेंगे, और टेस्टिंग के लिए यहाँ पे सॉन्ग प्ले करेंगे NCS का। हो सकता है थोड़ा सा आपको कॉपीराइटेड सॉन्ग भी सुना दूँ, और उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो एम्पलीफायर अभी ऑन है, यहाँ पे किसी भी टाइप की कोई हमिंग वगैरह नहीं है, और इसके अंदर जो जो हमने यूज कर रखा वो पिछली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ड्राइवर बोर्ड अलग से लगाया है, स्पीकर प्रोटेक्शन अलग से लगाई है, एक्सपेंडेबल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो हीट सिंक है कितनी ओवर इसके अंदर हमने लगा रखी है ताकि प्रॉपर कूलिंग रहे, और बिल्कुल फ़ैन के सामने 4 इंच का यहाँ पे फ़ैन लगा हुआ है, और फ़ैन के बिल्कुल सामने हीट सिंक को माउंट किया गया है। वहाँ पे है अपना सॉफ्ट स्टार्टर, साथ में है यहाँ पे ट्रोडल ट्रांसफार्मर, 4 कैपेसिटर की पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई के अंदर 10,000 माइक्रोफैड 100 वोल्ट के कैपेसिटर हैं। यहाँ पे है 7805 जो कि ब्लूटूथ के लिए है, यहाँ पे आप ब्लूटूथ देख सकते हो जो ब्लूटूथ पैनल हमने यूज करा है। हालांकि जो इतने बड़े एम्पलीफायर्स होते हैं इनके अंदर ब्लूटूथ वगैरह का कोई काम नहीं होता क्योंकि ये मिक्सर वगैरह से चलते हैं, तो मिक्सर इसके अंदर भी अटैच हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ब्लूटूथ के अंदर सामने ऑक्स का कनेक्शन दिया गया है, तो ऑक्स यहाँ पे इसकी अटैच हो जाएगी और मिक्सर से भी आप इसको चला सकते हो। तो रिक्वायरमेंट बंदे की ये थी कि भाई मेरे को ब्लूटूथ से ही चलाना है, तो मेरे को ब्लूटूथ चाहिए फ्रंट में, तो यहाँ पे फ्रंट में ब्लूटूथ इसमें यूज़ कर दिया गया है। और यहाँ पे है व्यू मीटर, तो व्यू मीटर की जो लाइट है वो ऊपर नीचे दोनों साइड में ग्लो करती हैं, ठीक है, मतलब इस तरीके से इसका पैटर्न बनता है। यहाँ पे है पावर ऑन ऑफ बटन, और जो आउटपुट है आउटपुट के लिए यहाँ पे जो अपने टर्मिनल्स हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं। तो अभी इसको मैं NCS सॉन्ग प्ले करके आप लोगों को इसकी साउंड सुनाऊंगा, आप लोगों को कैसी लगेगी कमेंट करके ज़रूर बताना। उससे पहले एम्पलीफायर का रेट बता देता हूँ, 10,500 रुपये का एम्पलीफायर है, 500 वोट का एम्पलीफायर है, लेकिन ये लगभग 650-700 वोट तक आराम से निकाल देगा। अब रही बात इस पे चलाने की, तो टॉप इसके अंदर 2 टॉप बहुत आराम से चल जाएंगे आपके, कहने का मतलब ये नहीं कि भाई 500 वोट का एम्पलीफायर है तो 500 वोट तक ही लोड लेगा, ऐसा कुछ नहीं है, इस पे 1000-1200 वोट तक का भी लोड आप आसानी से चला सकते हो। तो चलिए इसकी करते हैं साउंड टेस्टिंग। गाइज ये थी इसकी साउंड टेस्टिंग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और रही बात इसके अंदर प्रोटेक्शन वगैरह की, स्पीकर प्रोटेक्शन है, स्पीकर प्रोटेक्शन के अंदर ही यहाँ पे OCP वगैरह दिया गया है, अगर ओवर करंट लेता है एम्पलीफायर तो ज़्यादा हीट करेगा, तो इसलिए ओवर करंट लेने से पहले जो हमारी रिले है वो ट्रिप कर देगी इसके अंदर, तो ओवरलोड ये हमारा जो एम्पलीफायर है वो चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये है इसके अंदर फीचर वगैरह, थर्मोस्टैट भी यहाँ पे लगाया गया है, अगर ओवर हीट करेगा तो ये भी अपने आप कट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो अरेंजमेंट है वो कर रखा है। स्पीकर प्रोटेक्शन हालांकि यहाँ पे डबल रिले वाली अपनी है, लेकिन इसका पूरा आधा सेक्शन हमने भर के इसके अंदर लगाया, क्योंकि सिंगल रिले की स्पीकर प्रोटेक्शन अपने पास अभी थी नहीं जिसके अंदर इतने सारे फीचर हों, तो यहाँ पे जो डबल रिले वाली है हमने वही इसके अंदर यूज़ कर दी है। तो
तो प्रॉपर बढ़िया साउंड आ रही है एकदम, मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है। अगर वीडियो में आप लोगों को पसंद आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो साउंड है वो आप लोगों को कैसी लगी है। और यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर्स हैं, एक बार मैं ये दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, यहाँ पे ओरिजिनल तोशिबा के यूज करे गए हैं 1943 और 2SC5200। पीछे जो एन है, एक बार ये जो एन चैनल मतलब एन टाइप के जो है ना ये ट्रांजिस्टर्स, जैसे एक 2SC5200 होता है खाली और उसके पीछे एन नहीं होता, यहाँ पे देखो ये छोटे पैकेज के अंदर और इसके पीछे एन लगा हुआ है। तो इसकी डेटा शीट आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो पावर है वो कितना होता है और कितने बढ़िया ट्रांजिस्टर्स होते हैं। तो मिलेंगे गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।